मीडिया का, टीवी चैनल का, अखबार का काम क्या है? जनता के सरोकार की खबर दिखाना, सरकार से और सिस्टम से जनता के लिए सवाल पूछना। लेकिन अगर वो अपना ये काम करे तो उसके साथ बदले की कार्रवाई हो सकती है। आज ये सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि दैनिक भास्कर अखबार ग्रुप के कई दफ्तरों पर इनकम टैक्स की दिन भर छापेमारी चली। अखबार ने पिछले दिनों सरकार के लिए कई सारी अप्रिय खबरें छापी थी, ऐसे में अब जब आज छापेमारी हुई तो सरकार की नीयत को लेकर बहुत से सवाल उठ खड़े हुए। अपना पक्ष देखिए, हर कोई रखने के लिए स्वतंत्र है, सरकार भी रख सकती है। अखबार अगर नहीं सुन रहा है तो वो प्रेस काउंसिल का दरवाज़ा खटखटा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुई तो छापेमारी, और इसीलिए आज बड़े सवाल उठे। दूसरी लहर के दौरान शुक्रवार का दिन था और तारीख थी 16 अप्रैल। दैनिक भास्कर अखबार के भोपाल एडिशन में खबर छपी जिसकी हेडिंग थी, सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। ये वीडियो भास्कर के भोपाल के कैमरामैन संजीव गुप्ता ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। भोपाल के शमशान घाट में ड्रोन कैमरे से ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जिसमें नीचे चिताएं ही चिताएं जल रही थी। कोरोना की त्रासदी को दुनिया को बताने के लिए इससे बेहतर और दूसरी क्या तस्वीर होती। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट दी कि भोपाल के दो शमशानों में 112 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार के दावों में कोरोना से सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई। यह खबर दैनिक भास्कर ने 15 मई को प्रकाशित की थी जिसमें यूपी के 27 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट थी और दावा किया गया कि 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव दिखाई दिए। कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में सबसे ज्यादा हालत खराब दिखी। खबर की हेडिंग थी, शर्मसार हुई गंगा। बैकग्राउंडर ये था कि कोरोना काल में सरकारें मौत के आंकड़े छिपा रही थी, तो दैनिक भास्कर ने गंगा किनारे दफनाए गए लोगों के शवों की रिपोर्टिंग से सरकारों का झूठ उजागर किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही 8 जून को दैनिक भास्कर ने अपने सभी एडिशन में गुजरात की एक खबर प्रकाशित की। हेडिंग थी, कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब भी छुपा रहे हैं राज्य, एक अस्पताल से ही उजागर हो गई सरकारी आंकड़ों की हकीकत। गुजरात सरकार का दावा, एक माह में कोरोना से 3578 मौतें। भास्कर एक्सपोज, अहमदाबाद में ही इस दौरान 3416 मौतें हुई। भास्कर ने अस्पतालों में हुई मौत से यह आंकड़ा निकाला था। ये दैनिक भास्कर की कुछ चुनिंदा खबरें हैं जिनकी वजह से सिस्टम की कलाई खुली, सरकारों के झूठ का पता चला, कोरोना काल में मरने वालों के आंकड़ों की सच्चाई पता चली। और जब इसके बाद दैनिक भास्कर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी होगी तो सवाल तो उठेंगे। सवाल ये है कि क्या दैनिक भास्कर समूह पर छापेमारी बदले की कार्रवाई है? क्या दैनिक भास्कर अखबार की पत्रकारिता से सरकार नाराज है? आज तड़के से दैनिक भास्कर समूह के भोपाल, जयपुर, नोएडा, अहमदाबाद और मुंबई के दफ्तरों में छापेमारी चल रही है। इन सभी जगहों पर दैनिक भास्कर अखबार के दफ्तर है। भोपाल में भास्कर का हेडक्वार्टर है, इसके अलावा जयपुर में भी 1996 से दैनिक भास्कर अखबार छप रहा है। दैनिक भास्कर का नेशनल एडिशन नोएडा ऑफिस से प्रकाशित होता है। अहमदाबाद में भास्कर समूह के गुजराती अखबार दिव्य भास्कर का दफ्तर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक बड़ी रेड है जिसकी तैयारी काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और ये छापे पूरे देश भर में हैं। दैनिक भास्कर समूह लंबे समय से सरकार के निशाने पे था क्योंकि अखबार लगातार जिस तरीके से खबरें छाप रहा था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार और भास्कर की तनातनी लंबे समय से चल रही थी क्योंकि इस अखबार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विज्ञापन भी लंबे समय से मिल नहीं रहे। खुद दैनिक भास्कर ने अपने डिजिटल एडिशन में ये रिपोर्ट दी है कि इनकम टैक्स की टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी छापे मारे हैं। दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। दफ्तरों में कर्मचारियों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा।
नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने पर रोक दिया गया है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर 12:30 बजे रिलीज की गई। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक दैनिक भास्कर समूह पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। ग्रुप से जुड़ी कुछ कंपनियों ने इनकम टैक्स रिटर्न में आधी अधूरी जानकारी दी। विदेशों से आए पैसों के लिए RBI से परमिशन नहीं ली गई। छापेमारी में अब तक 100 करोड़ रुपए की अनियमितता का पता चला है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक दैनिक भास्कर पर पड़े छापे के दौरान पता चला है कि इस ग्रुप की कंपनियों के पास शेल कंपनियों के जरिए भी करोड़ों रुपया आया था। साथ ही इस ग्रुप की कंपनियों ने आयकर विभाग से कई अहम जानकारियां भी छुपाई थी। देर शाम तक चले छापे के दौरान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध लेनदेन के पता चलने का दावा किया गया है। साथ ही आयकर विभाग के सूत्रों ने यह भी कहा कि छापेमारी अभी अगले कई दिनों तक चलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, एजेंसीज अपना काम करती हैं, उस पे हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई से विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला। आज राज्यसभा में भी इस पर हंगामा हुआ। What they are saying, nobody is able to hear. Even I am not able to hear. ये क्या, इससे क्या फायदा है? कोई पद्धति नहीं है। This is not the way. हंगामे की वजह जासूसी कांड भी था, लेकिन दैनिक भास्कर समूह पर हुई छापेमारी की वजह से भी हंगामा हुआ। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। आज के विशेष करे दैनिक भास्कर के लिए सकाल থেকে যেভাবে ইনকাম ট্যাক্স রেডের নামে তাদের বুলডোজ করা হচ্ছে সাংবাদিকদের, সংবাদ সংগঠককে আমি টোটালি এটাকে কন্ডেম করছি এই কারণে। इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, कागज पर स्याही से सच दिखाना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। सवाल यह है कि जो अखबार या मीडिया संस्थान सरकार की आलोचना करेगा या सिस्टम को हिलाने वाली खबरें प्रकाशित करेगा, क्या उसके खिलाफ ऐसे छापे मारे जाएंगे? ये बात सही है कि दैनिक भास्कर समूह के दूसरे और भी कारोबार हैं, होटल्स हैं, स्कूल हैं, मॉल्स हैं, लेकिन जब आप अखबार के दफ्तर पर छापे मारेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। भास्कर की किसी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति थी या रिपोर्ट गलत थी तो सरकार को अदालत का सहारा लेना चाहिए था। अदालत कोई स्वतंत्र जांच पैनल बनाकर भास्कर की जांच करवा सकती थी, लेकिन जब सरकारें सीधे इनकम टैक्स विभाग के सहारे जांच करवाएंगी तो फिर सरकारों की मंशा पर सवाल जरूर उठेंगे। ABP News आपको रखे आगे।